लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही हलचलें तेज हो रही है कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दे सकती है। उन्हें हिमाचल की मंडी सीट से टिकट दिया जा सकता है। वहीं कंगना भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं। उन्हें मंडी से टिकट की मजबूत दावेदारों में भी गिना जा रहा है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश की 4 में से 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। वहीं 2 सीटें कांगड़ा और मंडी बची हुई है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी मंडी सीट से उम्मीदवारी के लिए जिन नामों का विचार कर रही है उन नामों में कंगना रनौत का नाम भी शामिल है। इसी के साथ बताते चले कि बीजेपी अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है जिनमें से 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। तीसरी लिस्ट भी जल्द ही आ सकती है। वहीं इसके लिए 20 और 21 मार्च की तारीख बताई जा रही है। इनमें कंगना रनौत का नाम भी शामिल हो सकता है। चुनाव को लेकर एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कंगना रनौत ने जानकारी दी है कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूं, ये ऐलान करने के लिए ये सही जगह और सही समय नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका ऐलान पार्टी अपने हिसाब से और सही समय पर सही जगह पर करेगी। साथ ही आपको बता दें कि कंगना रनौत ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की बात से अपनी तरफ से इनकार नहीं किया है। वही कंगना रनौत मूल रूप से मंडी जिले की रहने वाली हैं। वो राजपूत समाज से आती हैं। वहीं मंडी में राजपूत समाज के वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं। मंडी में अनुसूचित जातियों के वोटर्स भी ठीक ठाक संख्या में हैं, जिन्हें बीजेपी का समर्थक भी माना जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि वोटों का ये समीकरण बीजेपी को फायदा भी पहुंचा सकता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव कब है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी और इसके साथ ही वहां की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी 1 जून को ही होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के 6 विधायकों को आयुक्त ठहराए जाने के बाद से ये सीटें खाली हुई हैं। जानकारी कैसी लगी हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप अपनी सोच भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए खबर।